तीन भाग्यशाली भाई। एक व्यक्ति के तीन बेटे थे, मोहन, सोहन और रोहन। उसने अपने तीनों बेटों को एक एक उपहार दिया। पहले को एक मुर्गा, दूसरे को एक हल और तीसरे को एक बिल्ली। ये अजीब उपहार पाकर तीनों बेटे थोड़े निराश हो गए। तब उनके पिता ने उन्हें समझाया, निराश मत हो मेरे बच्चों, तुम अपने अपने उपहार को किसी ऐसी जगह पर ले जाओ जहाँ कोई भी उन्हें ना जानता हो, तब देखना यही उपहार तुम्हारा भाग्य बदल देंगे। तीनों भाई अपने अपने उपहार लेकर निकल पड़े। पहला भाई मोहन मुर्गे को लेकर चलता जा रहा था। वह जहाँ जहाँ भी जाता था मुर्गे वहाँ भी होते थे। सब लोग मुर्गे के बारे में पहले से ही जानते थे। चलते चलते आखिर वह एक ऐसी जगह पहुँच गया जहाँ एक भी मुर्गा नहीं था। यह एक छोटा सा गांव था। इस गांव के लोग काफ़ी अमीर थे, बस उन्हें एक ही परेशानी थी, इन लोगों को नींद बहुत आती थी। वे लोग सुबह को जल्दी उठकर काम पर जाना चाहते थे लेकिन सोते हुए रह जाते थे। वे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जो उन्हें सुबह जल्दी उठा सके। मोहन जब उस गांव में पहुंचा तो रात हो गई थी। वह एक पेड़ के नीचे सो गया। सुबह को एक मीठे से गीत से पूरा गांव गूंज उठा। सभी लोग यह आवाज़ सुनकर झट से उठ गए। वे घरों से बाहर निकलकर देखने लगे कि उन्हें जगाने वाला कौन है। पता है यह किसकी आवाज़ थी? यह और कुछ नहीं, मोहन के मुर्गे की बाँक थी। गांव के लोग इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा कि वे उस मुर्गे को रखना चाहते हैं और उसके बदले में उन्हें मोहन को ढेर सारा सोना दिया। मोहन खुशी खुशी घर लौट आया। दूसरा भाई सोहन अपना हल लेकर निकला था। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा जहां चारों ओर हरियाली थी, बढ़िया फसल खेतों में उगी हुई थी। इस गांव के लोगों ने बहुत मेहनत से ये फसल उगाई थी क्योंकि ये सब उन्होंने अपने हाथों से किया था। यहाँ तक कि उन्होंने खेतों को जोता भी हाथों से था। और वह इसलिए कि यहाँ के लोग हल क्या होता है यह जानते ही नहीं थे। सोहन ने उन्हें बताया कि हल से ज़मीन कितनी आसानी से और जल्दी जोती जा सकती है। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने हल के बदले में सोहन को ढेर सारा सोना दिया। तीसरा भाई रोहन एक जगह पर पहुंचा, जहां एक भी बिल्ली नहीं थी। उस गांव में चूहे ही चूहे थे और इसलिए प्लेग की बीमारी फैली हुई थी। बिल्ली ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे चूहे कम होने लगे। गांव के लोगों ने खुश होकर बिल्ली के बदले में रोहन को ढेर सारा सोना दिया। तीनों भाई खुशी खुशी अपने घर लौट आए और अपने अपने पैसों से काम शुरू किया। उनके पिता की बात बिल्कुल सही निकली थी। इन उपहारों ने उनकी ज़िंदगी को ही बदल दिया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।